हेलो दोस्तों, कोरियन ड्रामा फैंस के लिए और एक जबरदस्त वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज हम फिर से बात करने वाले हैं टॉप 7 कोरियन ड्रामास के बारे में जो हाल फिलहाल में ही हिंदी डब में रिलीज हुआ है। नंबर 7 पर है ए पीस ऑफ योर माइंड। यह एक रोमांटिक मेलोड्रामा है जिसमें कहानी दिखाया गया है मून हायुन की, जो एक AI डेवलपर है। वो अपने बचपन की दोस्त जीसो से प्यार करता है, लेकिन बचपन में जीसो पढ़ाई के लिए USA चला जाता है एंड जब वो कोरिया वापस आता है तब हायुन को पता चलता है जीसो किसी और से प्यार करता है। उस वक्त हायुन की जिंदगी में एंट्री होता है हानसियो की। अब हायुन अपनी पहली प्यार को भुलाकर कैसे हानसियो की करीब आता है, यही सब आपको इस ड्रामा में दिखाया गया है। आप पीसफुल लाइट हार्टेड रोमांटिक कोरियन ड्रामा देखना पसंद करते हैं तो ये ड्रामा आपके लिए एक ट्रीट टू वॉच है। अच्छी हिंदी डबिंग के साथ ये आपको MX प्लेयर पर मिल जाएगा। इसका टोटल 12 एपिसोड है। नंबर 6 पर है VIP। ड्रामा में कहानी दिखाया गया है नाजियोंग की, जो एक सक्सेसफुल औरत है। वो एक स्टोर में काम करती है जो सिर्फ VIP क्लाइंट को सर्व करता है। उसे एक दिन अपने पति के अफेयर्स के बारे में एक एनोनिमस टेक्स्ट मिलता है। अब वो इसके पीछे का सच्चाई जानने की कोशिश करता है एंड इसकी वजह से और भी सीक्रेट बाहर आ जाता है। ड्रामा का कहानी आपको सिंपल लग सकता है, लेकिन ड्रामा जबरदस्त है। इसमें आपको जबरदस्त मिस्ट्री, ड्रामा, लाइव लेसंस, रोमांस सब कुछ देखने को मिल जाएगा। पर इसे देखने के लिए आपको इंटरनेट का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले MX प्लेयर पर अवेलेबल था, पर पता नहीं क्यों अभी MX प्लेयर पर अवेलेबल नहीं है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, ये आपको आसानी से इंटरनेट पर हिंदी में मिल जाएगा। इसका टोटल 16 एपिसोड है। आपको इसे ढूंढने में कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे कमेंट में बता देना। नंबर 5 पर है शॉपिहोलिक लुइस। इसमें कहानी दिखाया गया है जीसंग एंड बॉक्सिल की। जीसंग एक अमीर घर का बिगड़ा हुआ लड़का है जो हमेशा बिना वजह शॉपिंग करता रहता है। अचानक एक दिन उसका कार एक्सीडेंट की वजह से मेमोरी लॉस हो जाता है एंड उसके साथ मुलाकात होता है बॉक्सिल की, जो सियोल में अपने भाई को ढूंढने के लिए आया है एंड दोनों कुछ वजह से एक साथ रहने लगता है। अब इसकी आगे कहानी क्या होता है वो देखकर जानिए। ये प्योरली एक एंटरटेनिंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो आपको टोटल 16 एपिसोड के साथ Amazon मिनी टीवी पर हिंदी डब में मिल जाएगा। नंबर 4 का ड्रामा है लॉलेस लॉयर। ड्रामा फॉलो करती है दो लॉयर बोंगसंग पिल एंड हाजे ही की कैरेक्टर को। दोनों की माँ को बचपन में कोई मार देता है। अब बड़े होने के बाद लॉ की मदद से दोनों कैसे अपना अपना बदला लेता है, यही सब आपको इस ड्रामा में दिखाया गया है। इसमें आपको अच्छा खासा एक्शन, रोमांस, कोर्टरूम ड्रामा दिखाया गया है एंड इसके साथ कॉमेडी का तड़का आपको ड्रामा के साथ फुल एंगेज करके रखेगा। टोटल 16 एपिसोड के साथ ये आपको MX प्लेयर पर मिल जाएगा। पर इसका हिंदी डबिंग कुछ खास नहीं है, बस कैसे भी करके काम चला सकते हैं। टॉप 3 में जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके इस छोटी सी यूट्यूब फैमिली को बड़ा बनाने में मदद कीजिए। नंबर 3 पर है मिस्ट्रेस। ड्रामा में 4 लड़कियों की एक ग्रुप दिखाया गया है जो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, पर चारों में अच्छी खासी दोस्ती है एंड चारों की ही अफेयर्स चल रहा है। पर आगे जाकर स्टोरी में किसी का मर्डर हो जाता है इन सब की वजह से। अब ये मर्डर को छुपाने के लिए ये चारों किस हद तक चला जाता है एंड इसकी वजह से इन लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव आता है, यही सब आपको इस ड्रामा में दिखाया गया है। ड्रामा में आपको थ्रिल, मिस्ट्री के साथ साथ बहुत सारे एडल्ट सीन भी दिखाया गया है जो आपको कमजोर बनाने के लिए काफी है। टोटल 12 एपिसोड के साथ ये ड्रामा आपको MX प्लेयर पर हिंदी डबिंग में मिल जाएगा। नंबर 2 पर है डेली डोज ऑफ सनशाइन। ड्रामा जांग दायुन की जर्नी को फॉलो करता है जो साइकेट्रिक केयर में एक नर्स है। आपको ड्रामा में अलग अलग मेंटली डिस्टर्ब पेशेंट की कहानी दिखाया गया है, जो देखने में आपको मजा भी आएगा और कई कई जगह आपको इमोशनल भी कर देगा। इसके साथ ही साइड में मेन कैरेक्टर्स की स्टोरी को भी डेवलप किया गया है। ये मासी ऑडियंस के लिए नहीं है, लेकिन आपको कुछ मीनिंगफुल रियलिस्टिक देखना है तो ये ड्रामा एक बढ़िया चॉइस हो सकता है। इन सब के साथ साथ आपको इसमें एक ट्रायंगल लव स्टोरी भी दिखाया गया है। ऑनेस्टली बोलूं तो इस तरह का ड्रामा मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, जो आपको लाइफ की अलग अलग पर्सपेक्टिव को दिखाता है। टोटल 12 एपिसोड के साथ ये आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी डबिंग में मिल जाएगा। नंबर 1 पर है कास्टवे डिभा। सियो मुखा एक ऐसी लड़की है जिसका बचपन से सपना है सिंगर बनने का। वो एक टैलेंट शो जीतकर ऑडिशन के लिए सियोल जा रहा था, लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट की वजह से वो एक अनहैबिटेड आइलैंड में पहुंच जाती है। अब 15 साल बाद वो वापस मेनलैंड में आता है, पर दुनिया बहुत आगे बढ़ चुका है।
इसकी बात कैसे वो खुद को इस दुनिया में एडजस्ट करता है, उसकी सिंगर बनने का सपना पूरा होता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको ड्रामा देखना पड़ेगा। इसका अभी सिर्फ दो ही एपिसोड हिंदी डब में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुआ है, बाकी का एपिसोड वीकली आएगा। पर ये ड्रामा दो एपिसोड में ही मुझे पूरा इमोशनल करने में कामयाब हो गया है। आगे का एपिसोड कैसा होगा वो तो आने की बात ही मैं बता पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है ये ड्रामा फाड़ने वाला है। इसमें आपको वही एक्स्ट्राऑर्डिनरी अटॉर्नी वाला एक्ट्रेस देखने को मिलता है। इसका टोटल 12 एपिसोड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। वीडियो अच्छा लग रहा है तो जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए।